लुधियाना के राजीव गांधी महाविद्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह। पत्रकारों से मुखातिब हो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस में पहले वाली बात नहीं रही जो किसी जमाने में हुआ करती थी। मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में आज लीडरशिप का अभाव है और जहाँ लीडरशिप का अभाव होता है वो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी रैली की है बरवाड़ा में, उससे पहले रणदीप ने की थी, उससे पहले अशोक तंवर ने की थी। तो ये सुपड़ा तो पहले ये इकट्ठे तो सुपड़ा साफ करने की तो बात दोबारा होती है। ये बिखरा हुआ इनका शिराजा है और ऐसी परिस्थिति में ऊपर भी कांग्रेस की वो बात जो कभी थी किसी जमाने में आज है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में लीडरशिप का अभाव है और जहाँ लीडरशिप का अभाव होता है वहाँ पांच छह कांग्रेस तो हरियाणा में बनी हुई है। तो ये तो, लेकिन अगर वो ये बात नहीं कहेगा तो फिर आदमी कैसे जुड़ेंगे, कुछ तो कहेगा। वही इस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा का प्रदेश में सुपड़ा साफ होने के बयानों पर केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में आज पांच छह कांग्रेस बनी हुई है। बरवाला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जींद में रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर अलग अलग रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में कांग्रेस आज बिखरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर इस तरह की बातें ये लोग नहीं करेंगे तो उनकी सभाओं में लोग कैसे पहुँचेंगे। देखिए, अब चुनाव जो है तीन राज्यों में है, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दो राज्य ऐसे हैं जिसमें दूसरों की सरकारें हैं, एक में कांग्रेस की है, एक में टीआरएस की है। तो चुनाव परिणाम से असर तो पड़ता ही है भाई, अच्छे आएंगे तो वर्कर का हौसला बढ़ जाता है, बुरे आएंगे तो वर्कर निराश हो जाता है। लेकिन ये तो सिस्टम है, चलता है, क्या पता किस टाइम कैसा पासा पलट जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ एक जगह तो 17 साल से राज है, एक जगह 15 साल से है और एक जगह 5 साल से है, पिछले 5 के अलावा पहले भी 5 का। तो इन सरकारों का काम काज की दृष्टि से लोग ये कहते हैं बिल्कुल तस्वीर बदल गई। मध्य प्रदेश को तो मैंने खुद देखा है।